महाराष्ट्र के टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो और ये जानने की प्लेसमेंट और फीस के हिसाब से कौन सा कॉलेज बेहतर है, सो डोंट वरी, आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज के बारे में जो एमएससीईटी का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं और जानेंगे उनकी फीस, प्लेसमेंट और कट ऑफ के बारे में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका मेंटोर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहला कॉलेज है हमारे पास जमना लाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये कॉलेज है आपका मुंबई के अंदर और जब बात करेंगे इसके एस्टेब्लिशमेंट की तो ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1965 के अंदर और इस कॉलेज के अंदर आपके एमबीए और एमएमएच जैसे कोर्स करवाए जाते हैं। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके एमएससीईटी के अंदर 99% से ऊपर मार्क्स होनी चाहिए और जब बात करेंगे हम सीट्स की तो इस कॉलेज के अंदर आपकी 160 सीट्स है और जब बात करेंगे हम फीस की तो इस कॉलेज की फीस है आपकी 6 लाख रुपीज और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट था 27 लाख रुपीज का और कंपनी जैसे कि मैकेंजी, डेलॉयट जैसी कंपनीज आपके प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे आई थी। सेकंड नंबर पे हमारे पास है सिडनहैम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1983 के अंदर और जब बात करेंगे हम कोर्सेज की तो यहाँ पे आपके पीजीडीएम और एमएमएच जैसे कोर्स करवाए जाते हैं और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके 98% से ऊपर स्कोर होने चाहिए और जब बात करेंगे हम फीस की तो फीस है यहाँ पे 1.3 लाख रुपीज और लास्ट ईयर की रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट था 12-13 लाख रुपीज का और यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए जेपी मॉर्गन और आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनीज यहाँ पे आई थी। थर्ड नंबर पे हमारे पास है पुणे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, पुम्बा। ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1971 के अंदर और जब बात करेंगे हम कोर्सेज की तो यहाँ पे आपके पीजीडीएम और एमबीए जैसे कोर्स करवाए जाते हैं और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके 95% से ऊपर स्कोर होना चाहिए और इस कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ सीट्स है आपकी 180 और जब हम बात करेंगे फीस की तो इस कॉलेज की फीस है आपकी 1.2 लाख रुपीज और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का एवरेज पैकेज गया था आपका 9-10 लाख रुपीज का और कंपनीज जैसे कि टाटा मोटर्स, इंफोसिस और विप्रो जैसी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई थी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है एसआईएस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1995 के अंदर और जब बात करेंगे हम कोर्सेज की तो यहाँ पे आपके पीजीडीएम और एमबीए जैसे कोर्स करवाए जाते हैं। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके 97% से ऊपर स्कोर होना चाहिए और जब बात करेंगे हम सीट्स की तो यहाँ पे है आपकी 120 सीट्स और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट था वो था आपका 9-10 लाख रुपीज का और कंपनी जैसे कि विप्रो, नेस्ले और टाटा जैसी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई थी। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है एमईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1994 के अंदर और जब बात करेंगे हम कोर्सेज की तो यहाँ पे आपके एमएमएस और पीजीडीएम जैसे कोर्स करवाए जाते हैं। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके 97% से ऊपर स्कोर होना चाहिए और जब बात करेंगे हम सीट्स की तो पीजीडीएम के अंदर आपकी इसके 120 सीट्स है और जब बात करेंगे हम फीस की तो एमएमएस की फीस है आपकी 4 लाख रुपीज और आपकी पीजीडीएम की फीस है आपकी 11 लाख रुपीज और लास्ट ईयर की प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट था वो था आपका 8-9 लाख रुपीज का और कंपनी जैसे कि एचडीएफसी बैंक और एलएनटी जैसी कंपनीज यहां पे प्लेसमेंट के लिए आई थी। सिक्स नंबर पे हमारे पास है एनएल डालमिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च। ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1995 के अंदर और जब बात करेंगे हम कोर्सेज की तो यहां पे आपका एग्जीक्यूटिव एमबीए, पीजीडीएम और एमएमएस जैसे कोर्स करवाए जाते हैं। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके 95% से ऊपर स्कोर होना चाहिए और जब बात करेंगे हम फीस की तो इस कॉलेज की फीस है आपकी 8 लाख रुपीज और इस कॉलेज में टोटल सीट है आपकी 360 और लास्ट ईयर की प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज था वो था आपका 7-8 लाख रुपीज का और कंपनी जैसे कि केपीएमजी, डेलॉयट और एचसीएल जैसी कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई थी। सेवन नंबर पे हमारे पास है वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1977 के अंदर और जब बात करेंगे हम कोर्सेज की तो यहाँ पे आपका एमबीए, पीजीडीएम और एग्जीक्यूटिव एमबीए आपका करवाया जाता है और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके 97% से ऊपर स्कोर होना चाहिए और जब बात करेंगे हम फीस की तो इस कॉलेज की फीस है आपकी 8 लाख रुपीज और जब बात करेंगे हम टोटल नंबर सीट्स की तो यहाँ पे आपके पीजीडीएम के अंदर है आपकी 180 सीट्स और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज प्लेसमेंट था वो था आपका 10 लाख रुपीज का और कंपनी जैसे कि एचडीएफसी बैंक और आदित्य बिरला ग्रुप जैसी कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई थी। एट नंबर पे हमारे पास है केजी सोमिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1981 के अंदर और जब बात करेंगे हम कोर्सेज की तो यहाँ पे आपका एमबीए, पीजीडीएम और एग्जीक्यूटिव एमबीए जैसे कोर्स करवाए जाते हैं और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके 98% से ऊपर स्कोर होना चाहिए और जब बात करेंगे हम फीस की तो इस कॉलेज की फीस है आपकी 20 लाख रुपीज और टोटल नंबर ऑफ सीट्स है इस कॉलेज के अंदर 600 प्लस और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट
रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट था आपका 15 लाख रुपीस का। 9 नंबर पे हमारे पास है VVIMSR। ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1983 के अंदर, और जब बात करेंगे हम कोर्सेज की तो यहाँ पे आपका MBA और MMS जैसे कोर्स करवाए जाते हैं। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके 90% से ऊपर स्कोर होने चाहिए, और जब बात करेंगे हम फीस की तो फीस है आपकी 3.4 लाख रुपीज, और टोटल नंबर ऑफ सीट है इस कॉलेज के अंदर 180, और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज था वो था आपका 6 to 7 लाख रुपीज का। 10 नंबर पे हमारे पास है DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1984 के अंदर, और यहाँ पे आपका MBA जैसे कोर्स करवाए जाते हैं, और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके 85% से ऊपर स्कोर होना चाहिए, और जब बात करेंगे हम सीट्स की तो यहाँ पे है आपकी 180 सीट्स, और इस कॉलेज की जो फीस है आपकी वो है 2.7 लाख रुपीज, और लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज था वो था आपका 6 लाख रुपीज का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना है, ताकि ऐसी आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहे।